हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में आपने देखे थे कि हमने जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड आउट किया था। अब हमको जीरोस अगर गिवन है तो हम पॉलीनोमियल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमको देखनी है। देखिए, हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आते हैं। मान लीजिए कि हमारा इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा ये पॉलीनोमियल है। तो सबसे पहले अगर हमको जीरोस फाइंड आउट करना है बाई फार्मूला, तो फार्मूला हमारा पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस फार्मूले में है, फिर बी, बी का मतलब है सेवन और ए का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं तो वन, सेवन अपॉन वन मीन्स आपका सेवन आ गया। अल्फा इंटू बीटा अगर कह रहा निकालने के लिए सी अपॉन ए, सी का मतलब ट्वेल्व और यहाँ पर वन है, ट्वेल्व अपॉन वन का मतलब ट्वेल्व। तो इस तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्मेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूले में आपको क्या करना है कि जो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है इसी में आपको पुट कर देना है, तो आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा ये देखिए मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर माइनस फाइव एंड सिक्स। क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है माइनस फाइव, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका दिया गया है सिक्स। ये कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम ऑफ जीरोस आर माइनस फाइव एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सिक्स। तो करना क्या है, सिंपल है, इसी फॉर्मूले का यूज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस फाइव एक्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है सिक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो आप देखिए कि यहां पर किस तरीके से आपको ये इसी फॉर्मूले से आपका पॉलिनोमियल बन के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। आपको गिवन क्या था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, अगर आपको जीरोस गिवन है। उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर टू एंड माइनस सिक्स। क्या कहा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर टू एंड माइनस सिक्स। मतलब ये नहीं कहा है कि सम ऑफ जीरोस टू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज, कहा है कि हूज जीरोस आर। इसका मतलब कि पहले आप इसका सम निकालिए, इसका प्रोडक्ट निकालिए, तब आप फॉर्मूले में रखिए। तो सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू प्लस माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स इस मीन्स माइनस फोर, अल्फा इंटू बीटा टू इंटू माइनस सिक्स मीन्स माइनस ट्वेल्व। अब जब आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया, अब तुरंत आप फॉर्मूला लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा है माइनस फोर एक्स और अल्फा इंटू बीटा हमारा है माइनस ट्वेल्व। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर एक्स और प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व। तो ये हमारा क्वेश्चन बन के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 12। तो आप देखिए कि क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस क्या था, इसमें था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज सम ऑफ जीरोस इज माइनस फाइव एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सिक्स, तो आपने सीधे फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज जीरोस आर टू एंड माइनस सिक्स। तो सबसे पहले आपने सम निकाला, उसके बाद प्रोडक्ट निकाला, तो आपका निकल के आ गया। फिर कह रहे हैं कि वेरीफाई इट। अब वेरीफाई देखिए कैसे करते हैं, आपका सम क्या आया था माइनस फोर, प्रोडक्ट क्या था माइनस ट्वेल्व, ठीक। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी हमारा क्या है फोर, तो माइनस ये फॉर्मूले का फोर अपॉन वन मीन्स माइनस फोर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है
सी अपॉन ए, सी हमारा क्या है माइनस 12, माइनस 12 अपॉन 1 मींस माइनस 12। आप देखेंगे कि माइनस 4 और माइनस 12 दोनों हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसका मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं, जिससे टॉपिक हमारा खत्म हो जाए, हम नए टॉपिक पे तुरंत पहुंच चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको मैं ही छोड़ता हूं, अपने इसको एक दो क्वेश्चन और बता के इस टॉपिक को खत्म करता हूं। जैसे कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोस इज 5/2, whose sum of the zeros means alpha plus beta equals to 5/2 and product of zeros is 1, alpha into beta is 1। ठीक, आपको कह रहा है कि find the zeros of the polynomial, यहां से आपको zeros of the polynomial find out करना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि आपको ये गिवन है, तो तुरंत आप फॉर्मूला लिखिए x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/2 x, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो x स्क्वायर माइनस 5x/2 प्लस 1, ये जब जीरो फाउंड करते हैं इक्वल टू 0, तो देखिए हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x/2/2 इक्वल टू 0, तो हमारा जो पॉलीनोमियल बन के आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x/2 इक्वल टू 0, हमारा देखिए पॉलिनोमियल बन के आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x/2। तो ऐसा बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो आप आसानी से रख के सॉल्व करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है तो आपके पास सारी चीजें उपलब्ध है, मोबाइल नंबर उपलब्ध है, व्हाट्सएप उपलब्ध है, आप मुझे मैसेज करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ये क्वेश्चन की दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। तो ये सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आप पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करिए। आपका अपना चैनल IMF चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल हमेशा आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। थैंक यू।